नमस्कार सभी को। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए और स्कूल के लिए भी। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों के लिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे कोई फिट इंडिया की क्विज़ हो रही है, स्पोर्ट्स क्विज़ हो रही है, स्पोर्ट्स क्विज़ हो रही है इतने बड़े लेवल पे। तो आइए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी एंट्री फीस है, कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या लेवल होंगे, कितना प्राइज मनी है और बहुत सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लेटर है आपके सामने, ये CBSE का ऑफिशियल लेटर है, तो मैं इसी से पढ़ के बता दूंगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जो ये ऑफिशियल लेटर है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। चलिए फिर विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी सब बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो फिट इंडिया है कब स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा जनरली मान लीजिए कोई बच्चा ही देख रहा है तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कब फिट इंडिया स्टार्ट हुआ था। फिट इंडिया स्टार्ट हुआ था 29 अगस्त 2019 को, ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। अभी बहुत सारे इवेंट, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया प्लॉगिंग रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, ऐसे बहुत सारे इवेंट फिट इंडिया कंटिन्यूस कराई जा रही है। अभी फिट इंडिया एम्बेसडर, फिट इंडिया चैम्पियंस, बहुत सारे ऐसे अवार्ड भी दे रही है, एक तरह से फेम दे रही है उनके लिए जिनके मतलब सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर हैं, ये सब उनके लिए। तो ये इस क्विज़ के बारे में स्पेशली हम आ जाते हैं। अभी क्विज़ में क्या है, ये देखिए जो क्विज़ है वो 4 राउंड की होगी। सबसे जो पहला राउंड होगा वो होगा स्कूल राउंड, टू बी कंडक्टेड बाय द स्कूल टू रजिस्टर स्टूडेंट्स फॉर द प्रीलिमिनरी राउंड। इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्कूल लेवल का जो क्विज़ है वो अपने लेवल पे कराना है, मतलब अपने आप जैसा भी करा सकते हैं। आप गूगल मीट पे कराइए, 1-to-1 ले लीजिए, आप गूगल फॉर्म पे करा दीजिए, जैसा भी आपको कराना है स्कूल लेवल पे कराना है। प्री एलिमिनरी राउंड में क्या होगा, प्री एलिमिनरी राउंड में ये जो बच्चे होंगे, आपको मिनिमम 2 बच्चे तो अपने स्कूल से भेजने होंगे। जो इसका रजिस्ट्रेशन होगा वो आगे मेंशन है, जुलाई मंथ में इनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो जो नाम है, मिनिमम आपको 2 स्कूल से नाम भेजने ही पड़ेंगे, उसके बाद आप कितने भी भेज सकते हो। इसकी एंट्री फ़ीस भी है 250 रुपीज़, वो भी मैं आपको बता दूंगा फिर से। तो ये चीज़ प्रीलिमिनरी राउंड होगा। फिर इससे जो बच्चे होंगे वो सेलेक्ट होके वो जाएंगे स्टेट राउंड में, मतलब हर स्टेट से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगी। ये फिर नेशनल राउंड, नेशनल राउंड फाइनल में कितने, फाइनल में 4 बच्चे होंगे, 4 टीमें होंगी, 4 बच्चे होंगे सॉरी, उनमें से कंपटीशन होगा। और ये जो बेस्ट पार्ट है, स्टार स्पोर्ट्स पे आएगा, ये सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइव आएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए। तो आप ये लेवल समझ गए होंगे, सबसे पहले होगा स्कूल राउंड, फिर उसके बाद होगा प्री एलिमनी राउंड, फिर उसके बाद होगा स्टेट राउंड, फिर उसके बाद होगा नेशनल राउंड। तो ऐसे बहुत सारे राउंड होंगे, तो समझ सकते हैं अगर इतने बड़े लेवल पे होगा तो कुछ ना कुछ टफ तो होगा ही। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि प्राइज़ मनी भी बहुत हाई है। स्कूल को फेम पाने का बहुत अच्छा, स्कूल के फेम पाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो इसके एनेक्जर है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये तो किन किन को लेटर अटैच किया है उनके लिए है। गाइडलाइंस फॉर फिट इंडिया क्विज़, वो टाइम देना इतना ज़रूरी क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाएगा लेटर में ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्विज़ का, ये भी आपको समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फिट इंडिया क्विज़ मैंने बताया है कैसे कैसे जाएंगे वो। अब आ जाते हैं इस चीज़ में, जो सबसे पहला है ये चीज़ रजिस्ट्रेशन एंड स्कूल राउंड। इसमें जो है हर स्कूल पहले अपने लेवल पर कराएगा, ये मैंने बता दिया, वो जो सेलेक्ट करके जाएंगे, ये इंटरनली कराना है स्टूडेंट्स इंटरनली, ये जो चीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरनली, इनको अपने लेवल पे स्कूल लेवल पे कराना है। फिर क्या सेलेक्टेड स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन कराना है फिट इंडिया पे, वो जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो जुलाई में खुलेगी, वो आगे मेंशन है। रजिस्ट्रेशन फॉर प्रिलिमिनरी राउंड विल बी ओपन टू ऑल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, सबके लिए ओपन है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्कूल नहीं छूटेगा, जो सब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर क्या है, स्टूडेंट्स मिनिमम 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना है, देखिए मिनिमम 2 स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम की कोई एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की एज लिमिट नहीं है, लेकिन एज लिमिट किसकी है, एज लिमिट है, एज लिमिट किसकी है, एज लिमिट है इसकी, एज लिमिट मैक्सिमम बच्चों की लिमिट नहीं है, एज लिमिट भी नहीं, एज लिमिट कितनी होगी जब स्कूल में होगा जितना होगा वो, बस ये क्या चीज़ है, ये फीस है, 250 रुपये फीस है, स्कूल जितने बच्चों का दे पाए वो उतने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर प्रीलिमिनरी राउंड में ये कौन कराएगा एग्ज़ाम, कंडक्ट कौन कराएगा ये एग्ज़ाम, NTA कंडक्ट कराएगी, ये 13 लैंग्वेजेस में होगी, इसमें किसी भी लैंग्वेज में
जिस बच्चों को जो जिसकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी एग्ज़ाम आएगा, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। ये एमसीक्यू बेसिस पे होगा, 45 एमसीक्यू के 60 क्वेश्चन होंगे। ये जो प्री एलिमिनल राउंड है 45 मिनट ड्यूरेशन रहेगी। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से बढ़िया बात है। नेगेटिव मार्किंग होनी भी चाहिए, हर एग्ज़ाम में होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये जो लैपटॉप दिया है ये तो कनेक्शन के बारे में दिया है, ये OS का Windows 7 कम से कम चाहिए इनको। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ आ गई होगी, इसमें ज़्यादा बात नहीं करते तो सही है, क्योंकि बहुत इजी चीज़ है। फिर इवेल्यूएशन एंड रिजल्ट, उसके बाद इवेल्यूएशन होगा। अगर मान लीजिए दो के मार्क्स सेम आ गए तो यंगर वन होगा, जो यंगेस्ट वन होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए फिर ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे 8 to 32 स्कूल फ्रॉम ईच स्टेट, हर स्कूल से, हर स्टेट से 8 से 32 स्कूल सेलेक्ट होंगे। तो इन्होंने रेंज भी दे दी है बच्चों की, कितने बच्चे होंगे, 0 to 500, 500 से 2500, 2500 से 5000, more than 5000, ये सारी चीज़ें। ये हर हर स्कूल, हर यूटी, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में ये अभी सेलेक्ट हुए, ये हर स्टेट से 8, 8 से 16 ये है। स्टेट राउंड में क्या होगा, स्टेट राउंड में क्या है, 8 से 32 टीमें होंगी। ठीक है, 8 से 32 क्या है? कितने राउंड होंगे, 3 to 11 राउंड विल बी हेल्ड टू डिटरमाइन द स्टेट चैंपियनशिप। स्टेट चैंपियन का डिटरमाइन कर निकालने के लिए कितने राउंड होंगे, 3 से 11 राउंड होंगे। सोशल मीडिया पे ये वेबकास्ट की जाएगी, सोशल मीडिया के साई के जो प्लेटफॉर्म है, फिट इंडिया के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वेबकास्ट की जाएगी। और यहाँ पे क्या है, टोटल ऑफ 36 स्कूल टीम, 1 टीम पर स्टेट विल बी मूव टू द नेशनल राउंड। अब नेशनल राउंड में 36 स्कूल टीम्स, पूरी टीम्स जो होंगी स्कूल टीम्स वो हो जाएगी। जब ये हो जाएगा, जैसे एक बच्चा क्वालिफाई करता है तो स्कूल को चांस होगा, वो दूसरे बच्चा भले ही वो क्वालिफाई नहीं किया तो उसको भी सेलेक्ट करके आगे इसके साथ इसकी टीम में आ सकता है। अब वो स्कूल पे है, मतलब एक बच्चा तो चाहिए होगा, भले ही वो क्वालिफाई नहीं किया तो भी रख सकता है, मतलब ये है। इसमें कौन कौन से राउंड होंगे, क्वार्टर फाइनल राउंड होंगे, सेमीफाइनल राउंड होंगे, फाइनल राउंड होंगे, ऐसे बहुत सारे मतलब ये जो राउंड होते हैं, जनरली कोई इवेंट वगैरह देखा होगा आपने, कोई बड़े बड़े लेवल पे जो भी होता है उसमें ऐसा ही होता है, क्वार्टर फाइनल होते हैं, सेमीफाइनल होते हैं और ये फाइनल राउंड होता है, फाइनल्स। तो सबसे पहले क्या होगा, जो फाइनल राउंड में जो नेशनल लेवल पे वो 36 टीम्स आएंगी, विल बी डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप, 36 टीमें रहेंगी, 12 ग्रुप में हो जाएगा। और एक हर ग्रुप में कितनी टीमें रहेंगी, 3 टीमें रहेंगी। अब तीन जब ये होगा, अच्छा 12 ग्रुप हो गए तो 12 तो सेलेक्ट हो जाएंगे, 12 तो निकाल दिए, फिर जो 24 बचेंगे बच्चे होंगे ना, 24 में से जो बेस्ट 4 होंगे उनको भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि सेमीफाइनल के लिए पता है, सेमीफाइनल में आपको ऐसा होना चाहिए कि राउंड में होना चाहिए, 2 की पावर में होना चाहिए, जैसे जनरली 4 होता है, लेकिन अगर बड़ा इवेंट है, क्विज़ वगैरह का इवेंट है, तो टीम्स ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये अपने लेवल पे उन्होंने कराया, सेमीफाइनल 16 टीम्स हैं, तो यहाँ 12 हो रही थी, उन्होंने 4 और जो 24 नहीं सेलेक्ट हुए, 24 में से 4 बेस्ट रनअप जिनका अच्छी रैंक होगी उनको भी सेलेक्ट किया जाएगा। और फिर सेमीफाइनल में क्या होगा, सेमीफाइनल में होगा, सेमीफाइनल में 16 टीम आ गई, जैसा कि मैंने बताया, वो 12 प्लस 4, वो जो पहले 36 में से 12 हो गई, फिर जो 24 बची उनमें से 4 आ गई, फिर जो 16 टीम है वो एंटर करेंगी सेमीफाइनल में, 16 टीम एंटर करेगी सेमीफाइनल में। अब कितनी टीम बन जाएगी, 4 टीम बन जाएगी, और 4 ग्रुप, हर ग्रुप में टोटल टीमें तो रहेंगी, वैसे टोटल टीमें तो रहेंगी 16 टीम बता दिया, फिर जो 4 ग्रुप रहेंगे, हर हर 4 ग्रुप, और 4 ग्रुप में 4 टीमें, 4 ग्रुप 4 टीमें। तो अब क्या होगा, फिर उसके बाद फाइनल में जो टीम, जो 4 टीम विल कम्पीट करेगी टॉप प्लेस के लिए, मतलब इनमें से केवल 4 टीम सेलेक्ट होगी और वही कम्पीट करेगी एक दूसरे से। और ये देखिए, विनर ऑफ द जो विनर होगा फाइनल राउंड का, उसको नेशनल चैंपियन कहा जाएगा। कितना अच्छे अपॉर्चुनिटी है, सोचिए नेशनल चैंपियनशिप, वो भी किसी छोटे से छोटे, अगर बच्चा टैलेंटेड है, उसको नॉलेज है, बस स्कूल सपोर्ट करे, फीस दे दे उसकी, तो बहुत एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को। और जो सिलेबस है, क्वेश्चन है, वो इन सब से रिलेटेड आएंगे। ये जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम, योगा है, पर्सनैलिटीज़, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी टीचर के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें सपोर्ट करने के लिए, स्कूल स्कूल का भी काम है, टीचरों को अच्छे से अच्छा सपोर्ट करें, सारी बुक प्रोवाइड करें, तो बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और बहुत सारे बीच बीच में टीचर और पेरेंट्स के लिए भी बीच में क्विज़ कराई जाएगी, वो सब भी मेंशन है, उसको ना ना देखें तो भी बढ़िया है। ये देखिए, जो प्राइज़ बनी है नेशनल चैंपियनशिप स्कूल में, स्कूल वालों को कितनी मिलेगी, 25 लाख रुपए, प्लेयर को 2.5 लाख,
देख सकते हैं फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप यूटी में कितनी चैंपियनशिप, कितने बहुत अच्छा प्राइज मनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए ये जो पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ ये जो डेट ज़रूरी है, एक बार डेट को इन्फॉर्म कर देता हूँ। वैसे तो आपको पीडीएफ में सब कुछ है, फिर भी लॉन्च का ऑफ फिट इंडिया भी क्विज जून में लॉन्च हो गई है। रजिस्ट्रेशन कब होगा? रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई से 31 जुलाई। अब देखिए ये चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, जो 1 जुलाई से 31 जुलाई है, इसमें जो है ना, इसको अपने स्कूल लेवल पे आपको करा लेना है। अगर आप नहीं भी कराते, जो मान लीजिए आपके स्कूल लेवल पे वो होंगे, अच्छे बच्चे आपको पता होंगे, तो उनका नहीं भी कराएंगे, नाम मेंशन कर देंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन सब बच्चों को मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा बेकार है उसने इस बीच पढ़ाई नहीं करी हो, क्या पता वो पढ़ रहा हो, क्या पता वो उसको अच्छी नॉलेज स्पोर्ट्स की हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। तो किसी भी बच्चों को छोड़िएगा नहीं, मास पार्टिसिपेशन कराइए ताकि टैलेंटेड बच्चे आगे आए। फिर यहाँ पे देखिए प्रीलिमिनरी राउंड, ये इसकी जो डेट है वो कब होगी? 4 सितंबर 2021 को। स्टेट राउंड 1 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर, इस बीच में स्टेट राउंड है, मतलब अक्टूबर का मंथ पूरा हो जाएगा स्टेट राउंड को। फिर नेशनल राउंड होगा 1 नवंबर से 14 नवंबर तक। 14 नवंबर को आपको पता है जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे हुआ था, जन्मदिवस, और उसी दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो देखिए टाइमिंग बहुत बढ़िया, चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चों को इतना बड़ा इनाम मिलेगा। अब स्कूल का रोल क्या है, ये सब रोल है, आपको इजीली स्कूल की फ़ी करनी है, ये सब तो आप आराम से समझ आ जाएगा, कुछ इशू नहीं है। मेन दिक्कत इसी में थी मुझे लगता है, आई होगी डेट वगैरह में थोड़ा समझने में ऊपर दिक्कत हो रही होगी। आई होप मैंने इसको इसलिए इतना जल्दी जल्दी बोला क्योंकि आपको आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में बोला है, हिंदी भाषा में बोला है, और ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए, इसलिए मैंने बहुत स्पीड में बताया और बहुत कोशिश की है कि सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आपको पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ये ज़रूर अपने बच्चों के साथ, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो पार्टिसिपेट करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, और अपने स्कूल का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, और अपने प्रिंसिपल का नाम, अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर का नाम रोशन करें। और आई रियली लव टू अप्रिशिएट फिट इंडिया टीम कि इतने बड़े लेवल पे पहली बार ऐसी क्विज होने जा रही है। तो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।